तुम्हारे मौसी आई थी। हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुमन सौरिया स्वागत करता हूं आपको हमारे YouTube चैनल अभ्यास एजुकेशन में। और आज का जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये है एक्सरसाइज 4.4, जहां क्लास 10th के बच्चों के लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और आज का जो क्लास है इसमें हम लोग थ्योरी भी पढ़ेंगे 4.4 का। हालांकि 4.3 में भी इसका कुछ कुछ थ्योरी पढ़े थे, हालांकि कुछ क्या पूरा थ्योरी पढ़े थे। और जो स्टार्टिंग का वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो कृपया करके पीछे या फिर आई बटन में लिंक दिया गया होगा, या तो चैनल के नीचे में भी लिंक गया होगा, या अदरवाइज आप जाकर प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आप इस पूरा वीडियो को कंप्लीट करें फिर आगे बढ़ें, आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आज का स्पेशली जो लेक्चर होगा वो 4.4 का होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं द्विघाती समीकरण जो होता है वो ax² + bx + c = 0 के रूप में होता है, आप सभी जानते हैं। अगर ax² + bx + c = 0 है तो उसमें निकाल, याद करें आप लोग लिखे थे a का वैल्यू कुछ होता था, फिर b का वैल्यू, फिर c का वैल्यू। यहाँ a होता था, यहाँ b और ये c होता था। तीनों के वैल्यू के बाद आप लोग क्या निकालते थे, d, डिस्क्रिमिनेंट। तो d के लिए एक फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं b² - 4ac, है ना। अब यहाँ पर एक दो कंडीशन हम लोग पढ़े थे, डी बराबर जीरो इज ग्रेटर देन जीरो और डी इज लेस देन जीरो, ये तीन कंडीशन हम लोग पढ़े थे। जब डी का वैल्यू जीरो के बराबर होगा तो वहाँ दो मूल तो होंगे ही, मूल मतलब एक्स का वैल्यू, दो वैल्यू होगा और दोनों वैल्यू क्या होगा, समान वैल्यू होगा। एक्स का दो ठो मान आएगा, दोनों क्या होगा, इक्वल। डी का मान अगर जीरो से ज़्यादा है मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव वैल्यू के कंडीशन में जो एक्स का मान होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा, यानी कि मूल अस्तित्व में ज्ञात होगा, यानी मूल अस्तित्व में होगा। D का वैल्यू लेस देन जीरो है मतलब ये वैल्यू क्या हो गया, निगेटिव, यानी D का मान अगर निगेटिव आया तो मूल अस्तित्व में नहीं होगा। यही बात यहाँ पर लिखा गया, दो भिन्न वास्तविक मूल, भिन्न मतलब क्या हो गया, अलग अलग। वास्तविक मूल तब होते हैं जब b² - 4ac, यानी ये किसका मान है, D का, इसका वैल्यू जीरो से क्या होना चाहिए, ज़्यादा, यानी ये वाला कंडीशन, समझ रहे। दो बराबर मूल, बराबर मतलब एक्स का दोनों मान क्या होना चाहिए, इक्वल, तब होते हैं जब इसका वैल्यू जीरो के बराबर होता है, यानी डी बराबर जीरो। बोलो, कोई वास्तविक मूल नहीं होता, मतलब वास्तविक मूल नहीं होता इसका मतलब मूल अस्तित्व में नहीं है। तो मूल अस्तित्व में कब नहीं होता, जब डी का मान क्या होना चाहिए, निगेटिव नंबर, क्या होना चाहिए, निगेटिव, यानी b² - 4ac का वैल्यू जो है वो जीरो से भी, समझ में आ गया, जीरो से कम का मतलब क्या हो गया, माइनस में, यानी निगेटिव वैल्यू आएगा। क्लियर है कि नहीं जी। चलिए अब यही क्वेश्चन, इसी तरह का जितना भी मतलब टॉपिक है, इसी टॉपिक से सारा क्वेश्चन आएंगे और बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे, जिसको आप 4.3 में भी कई दफ़ा सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पर आप क्वेश्चन पढ़िए, निम्न समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए यदि मूल का अस्तित्व हो, है ना, यदि मूल अस्तित्व में हो तो उसको ज्ञात करना। एक नंबर क्वेश्चन है 2x² - 3x + 5 = 0, तो बोलिए ध्यान देंगे, 2x² - 3x + 5 = 0, तो यहाँ बोलिए a के जगह पर क्या है, फॉर्मूला पे रख लेते हैं, ax² bx + c = 0, इसलिए a का मान हो गया 2, b का मान हो गया -3 और c का मान हो गया 5, तो क्या निकालेंगे, d, b² - 4ac, d बराबर b² यानी -3² - 4 * a के जगह पर 2 और c के जगह पर 5, तो d बराबर हो जाएगा 9 माइनस हो जाएगा 4 × 8 = 40, तो d बराबर हो गया -31, d का वैल्यू नेगेटिव आ गया, तो इसलिए लिख दीजिए d लेस देन 0, इसलिए मूल अस्तित्व में, जिसका मूल अस्तित्व में नहीं है इसके आगे आपको सॉल्व नहीं करना, बस यही हो गया इसका आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, कोई तकलीफ हो जाएगा, यहां पर मूल अस्तित्व में नहीं है, इसके आगे आपको कुछ नहीं बनाना, ठीक है। चलते हैं दो नंबर पे, यह है 3x² - 4√3x + 4 = 0, तो बोलिए ये ax² + bx + c = 0 के रूप में है, इसीलिए a का मान क्या हो गया 3, b का मान क्या हो गया -4√3 और c का वैल्यू क्या हो गया 4, तो क्या निकालना है, d
फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डी बराबर बी स्क्वायर, बोलिए कितना है, माइनस चार रूट तीन का होल स्क्वायर माइनस फोर ए के वैल्यू की जगह पर तीन पुट करेंगे और सी के जगह पर चार, तो डी बराबर चार चौके सोलह तिया अड़तालीस हो जाएगा, माइनस चार तिया बारह चौके अड़तालीस, ठीक है, यानी डी का वैल्यू क्या हो गया, डी का मान जीरो हो गया, तो डी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर एक कंडीशन लिख सकते हैं, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो मूल अस्तित्व में इसलिए x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे टू ए, एक्स बराबर माइनस बी के जगह पर क्या वैल्यू है, माइनस फोर रूट थ्री प्लस माइनस रूट डी के जगह पर क्या है जीरो बटे टू ए के जगह पर क्या है, तो x बराबर माइनस और माइनस प्लस चार रूट तीन, जीरो का रूट क्या हो गया जीरो, दो तिया छ, दो दुनी चार दो तिया छः, यानी x बराबर हो गया दो रूट तीन बटे तीन, क्लियर है, यही हो गया आपका आंसर। अगर आंसर नहीं हो तो एक कंडीशन आप यहाँ पर ये हो सकता है, जिसे दो रूट तीन है ना, इस तीन को आप नीचे में रूट तीन इंटू रूट तीन कर लीजिए, तो एक तो से एक तो कट गया, यानी दो बटे रूट तीन, ये भी आंसर हो सकता है या ये भी आंसर हो सकता है, दोनों आंसर ये वाला ही है। चलिए कोई बात नहीं, समझ में आ गया ना आप लोगों को, आगे बढ़े। अब आपका थ्री नंबर पे हम चलते हैं, दो एक्स स्क्वायर माइनस छः एक्स, दो एक्स स्क्वायर माइनस छः एक्स प्लस थ्री बराबर जीरो, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, इसी फॉर्मेट में है, तो बोलिए ए का मान क्या हो गया दो, बी का मान माइनस छः, सी का मान तीन हो गया, कोई तकलीफ, डी का वैल्यू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। जब इतना हो जाएगा तो आप एक बात बताइए, माइनस छः का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस फोर इंटू ए के जगह पर टू इंटू सी के जगह पर थ्री हो जाएगा, तो डी बराबर छत्तीस, डी का वैल्यू बारह होगा, इसका मतलब डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो मूल अस्तित्व में कोई तकलीफ, एक्स बराबर कौन विधि है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे टू ए, माइनस बी का मान जल्दी बोलिए, माइनस माइनस छ प्लस माइनस रूट अंडर डी का मान बारह बटे टू, ए का मान कितना है दो है, एक्स बराबर प्लस छ प्लस माइनस बारह को लिख सकते हैं, चार तिया बारह, चार रूट तीन नहीं, चार रूट तीन नहीं, दो रूट तीन, समझ पाए जी, जो जो नहीं समझे एक बार फिर से समझिए, रूट बारह है तो बारह को दो दुनी चार तिया बारह, तो दो ठो जोड़ा लगा तो एक ठो बाहर निकलता है, क्लियर है जी, क्या ले लेते हैं, एक काम करते हैं धनात्मक लेते हैं थोड़ा देर में, एक बार और छोटा सा सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि बार बार इसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, तब एक्स बराबर दो कॉमन ले लो तीन हो जाएगा प्लस माइनस रूट तीन बटे चार, दो से कट गया, इसका मतलब एक्स बराबर क्या हो जाएगा तीन प्लस माइनस रूट तीन बटे दो, बार में कटा ना दो हो जाएगा, समझ में आ गया, धनात्मक लेने पर एक्स बराबर तीन प्लस रूट तीन बटे दो आंसर, और फिर क्या ऋणात्मक लेने पर क्या हो जाएगा एक्स बराबर तीन माइनस रूट तीन बटे दो आंसर, आंसर है ना, ठीक, चलिए खुद है, ओके थैंक यू प्लीज, क्या दुगो इंग्लिश से वर्ड सीख के आया, ओके थैंक यू प्लीज, इसलिए हम कुछ बोले नहीं, आप मेरा नाम लिखे का है? आपका नाम क्या करेंगे, अपना नाम सबको शेयर करके
हम इसके नाम से चंदा दिए सबको, अच्छा ना, तुम्हारा वहां दुआ करेंगे, बोलते हैं मैं आपके नाम का दुआ करेंगे, थैंक यू प्लीज सर। ये सब खाली ना, अरे गुलगुलिया सब होगा, ठीक है। बोलता हेलो एक्सक्यूज मी, यू आर पंजाबी, तो सारा झारखंड में आके पंजाबी खोज रहा है, नो आई एम झारखंडी, तुम्हारे मौसी आई थी रे। क्या क्या ए नहीं, इसके पापा का साली थी। चलो समझते हैं, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल बराबर है। इसके दो मूल क्या है, बराबर है। तो दो मूल बराबर कब होता है, दो मूल तब बराबर होता है जब डी का मान क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। बोले जी, कंडीशन में दिया है दो मूल बराबर हो, जब दो मूल बराबर हो इसका मतलब डी मान क्या हो गया, जीरो। तो डी बराबर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसी का मान जीरो होना चाहिए। बोलो जी, तो हम क्या करते हैं, डी का फॉर्मूला क्या जानते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो लिख देते हैं। ध्यान देंगे डी के वैल्यू की जगह पर क्या लिख दिया, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो। बोलिए यहां पर बी का मान क्या है, माइनस फोर, ए के जगह पर क्या है और सी के जगह पर क्या है, बराबर जीरो हो गया। यहां पर आप देखेंगे के स्क्वायर फोर टू जा एट थ्री जा बराबर जीरो, तो के स्क्वायर बराबर क्या हो गया, प्लस चौबीस। तो के का मान क्या हो जाएगा, रूट चौबीस। ध्यान देंगे इधर, चौबीस का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, रूट में देख लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं दो दुनी चार दुनी आठ तिया चौबीस, यानी दो दो बाहर निकल जाएगा, दो रूट तीन हो गया एक्स के का वैल्यू। हमको के का ही मान पूछ रहा था ना, चलिए सॉरी हो गया गलती हमसे, अरे सॉरी हो गया नहीं, सॉरी हो गया गलती हमसे, ये यार पहले पूरा सेंटेंस तो सुन लो। बस तुम लोग का क्या, खाली मजाक उड़ाना है, मेरे से सीख गया। हम किसी का भी उड़ाते, तुम लोग भी मेरा उड़ा लो, कोई बात नहीं, कोई बात। ये खड़े रहने का मन करता है इसको, तुम क्या करें, अरे यार। तो दो दुनी चार दुनी अड़तिया चौबीस, तो दो एक बाहर आ गया और तीन दुनी छ, इतना हो गया आंसर। एक नंबर समझ में आ गया होगा, दो नंबर ध्यान देंगे, इसको पहले ना तोड़ना पड़ेगा, के एक्स गुना एक्स, तो के एक्स का स्क्वायर और यहाँ जाएगा माइनस टू के एक्स प्लस सिक्स बराबर जीरो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। क्लियर है जी, तो यहाँ पर डी का जो मान होगा वो कितना होगा, जीरो। क्वेश्चन के हिसाब से आप मूल बराबर दिया है ना, मूल बराबर कब होता है, जब डी का मान जीरो होता है, जब डी का मान क्या होता है, जीरो। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान जीरो है, डी क्या यही ना है। क्लियर है, तो बी का जो वैल्यू है वो कितना है, माइनस टू के, माइनस फोर, ए के जगह पर क्या है, के है, सी के जगह पर, समझ पाए जी, बराबर जीरो। तो हो जाएगा चार के स्क्वायर माइनस चार के इंटू, अच्छा छः भी है ना, चौबीस के बराबर जीरो। कॉमन ले ले, चार और के दोनों को मनाएगा, माइनस छ बराबर जीरो, होगा कि नहीं होगा। अब आप देखिए मिडिल टर्म फैक्टर वाला हम याद करो, इस तरह करते थे ना, एक बार इसको जीरो एक बार इसको जीरो। एक काम करिए, यहाँ फोर के का मान निकालो, जब फोर के बराबर जीरो, तो जीरो कब होगा, क्योंकि ये के माइनस सिक्स इधर मल्टीप्लाई में है, या बीच में ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना, इधर का जीरो बटे इतना होगा कि नहीं होगा, के माइनस सिक्स यानी फोर के बराबर क्या हो गया, जीरो, यानी के का मान क्या हो जाएगा, जीरो बटे फोर, दैट मीन्स कि जीरो हो जाएगा। बोलो जी, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर ध्यान देना, अगला, जब के माइनस छः बराबर क्या हो गया, जीरो, क्यों, क्योंकि फोर के इस बारह के डिवाइड हो जाएगा,
समझ में आ रहा है? तो k का वैल्यू क्या हो गया? 6। यानी k का वैल्यू एक बार 0 हो गया, एक बार 6 हो गया। होता ना, बहुत ईजी क्वेश्चन है, अब मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। परीक्षा में आपका ऑब्जेक्टिव में 200 नहीं, 300 नहीं, 500 ले लो पूछेगा। समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर ये 3 होगा। यहाँ क्वेश्चन है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है? आम की बगिया मतलब अरे बगीचा यार, यानी आयताकार कोई बगीचा हो, ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो। अगर चौड़ाई x है तो लंबाई, और उसका क्षेत्रफल कितना है? 800 मीटर स्क्वायर। यदि उसकी लंबाई, तो बोलता है इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, अभी देखना पड़ेगा, लंबाई नहीं चौड़ाई मान लेते ना, माना चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई कितना हो जाएगा? 2x होगा। प्रश्न के अनुसार क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जो है वो कितना है? अच्छा, ये कैसा है, लंबाई और चौड़ाई है तो आयताकार है। फॉर्मूला क्या था? लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 800। लंबाई कितना दिया? 2x। चौड़ाई कितना है? x बराबर 800। एक्स स्क्वायर हो गया ना, होगा बराबर 800। एक्स का स्क्वायर 800, 400। तो एक्स स्क्वायर का मान 20, एक्स का मान 20, 400 हुआ। तो एक्स का मान हो जाएगा रूट अंडर 400, तो एक्स बराबर हो गया 20। अब एक मिनट, रूट से कोई चीज निकलता था एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो ये हो गया आपका। अगर धनात्मक लेंगे तो प्लस 20, ऋणात्मक लेंगे तो माइनस 20, क्योंकि लंबाई ले रहे हैं। धनात्मक लेंगे या ऋणात्मक? धनात्मक, इसलिए लंबाई जो हो जाएगा प्लस 20, नहीं रे चौड़ाई हो जाएगा प्लस 20। धोखा हो रहा था, लंबाई 2x है ना, तो 2 × 20 बराबर 40। आंसर चेक कर लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा आप यहाँ ध्यान देंगे। 4 नंबर, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्र का आयु का योग 20 वर्ष है। कोई दो मित्र है, मान लेते हैं गुलटनवा और एक पलटनवा, चलो नहीं माने, माना पहला मित्र का आयु x वर्ष, दूसरा मित्र वायु नहीं रे आयु, 20 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का योग 20 था। समझ में आ रहा है? 4 वर्ष पूर्व, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 4 वर्ष पूर्व पहला मित्र का उम्र कितना हो जाएगा? आयु बराबर हो जाएगा एक्स माइनस 4, और दूसरा मित्र का बीस माइनस एक्स माइनस 4, यानी 16 माइनस एक्स। ये हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर से दोनों का गुणनफल 48, यानी x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स बराबर 48। क्रॉस कर दें, क्रॉस नहीं सॉरी मल्टीप्लाई कर दें, x गुना 16 तो 16x, x गुना x तो माइनस x का स्क्वायर, 4 × 16 सोलह चुके 64, माइनस में होगा माइनस एक्स, ठीक, तो माइनस तो लिखें यार, यहाँ माइनस 64 हो जाएगा, और 4 × x तो प्लस 4x बराबर 48, ठीक है। एक्स स्क्वायर को आगे ले लेते हैं माइनस में, 16 में 4 जुट गया 20x माइनस 64 और माइनस 48 बराबर 0। माइनस कॉमन ले लेते हैं क्या, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक बार सॉल्व कर लेते हैं, कर लेते नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। 20x 64 में 48 घटा तो अच्छा, माइनस माइनस प्लस, तो चिन्ह माइनस का, 4 8 12 के दोनों में 6 4 4 10 112 बराबर 0। अब ले लीजिए माइनस को कॉमन,
माइनस कॉमन हो गया था एक्स स्क्वायर, माइनस बी से एक्स प्लस 112 बराबर जीरो। ये माइनस वन है इसका मतलब, इधर इसको उधर ले जाते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस बीस एक्स प्लस 112 बराबर जीरो बटे माइनस एक होगा, यानी बच गया एक्स स्क्वायर माइनस बीस एक्स प्लस 112 बराबर जीरो। ये हो गया आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। तो ए का मान क्या हो गया एक, बी का मान क्या हो गया माइनस बीस, और सी का मान 112। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या निकालेंगे डी फॉर्मूला बोलिए। सब काहे नहीं बोलते हैं जी, भूख लग रहा है। क्या माइनस 112 जो 112 माइनस में था ना यार, यहाँ देखो माइनस वन कॉमन ले लिए, ध्यान नहीं देते हैं। माइनस प्लस में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज आप करते हैं, पिछला वाला में भी यही हुआ था, इसमें भी यही हुआ, और अक्सर हम क्लास में देखते हैं आपको माइनस प्लस में गलती होता। थोड़ा सा ध्यान, बी स्क्वायर की जगह पर माइनस बीस का होल स्क्वायर माइनस फोर, ए के जगह पर वन और सी के जगह पर 112। तो डी का जो वैल्यू है 400 माइनस 112 चौके कितना हो गया 12 चौके 48, 100 चौके 400, तो डी बराबर क्या हो गया माइनस 48। तो यहाँ मूल अस्तित्व में नहीं है, यहाँ लिख सकते हैं डी इज लेस देन जीरो, इसलिए मूल अस्तित्व में नहीं है। अगर मूल अस्तित्व में नहीं है तो यहाँ क्वेश्चन पढ़िए, क्या निम्न स्थिति संभव है? नहीं, ये संभव नहीं है। यहाँ पर उम्र हम ज्ञात नहीं कर सकते, ये संभव नहीं है। लाल हो गया, एक ही क्वेश्चन है ना, ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर का एक पार्क बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक आयत बना लेते हैं जिसका परिमाप कितना दे दिया है 80। तो परिमाप आपका है 80 मीटर और क्षेत्रफल कितना दे दिया है 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञान, क्या बोलता है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो मान लेते हैं लंबाई कितना है, चलो एल ए मान लेते हैं, और चौड़ाई मान लेते हैं बी। तो परिमाप का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो परिमाप है वो कितना दिया है 80, यानी 2 होल इंटू एल प्लस बी बराबर 80। एल प्लस बी का मान कितना आ जाएगा 80 बटे 2 मतलब 40 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? Yes. अब यहां से L का मान आप निकाल लीजिए 40 माइनस बी हो जाए, मान सकते हैं आप इसको समीकरण A, ठीक है। अब देखिए क्षेत्रफल जो है वो दे दिया था आपका 400 है कि नहीं, तो लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 400। बोलिए लंबाई कितना दिया है 40 माइनस बी, और चौड़ाई आपने बी माना ही है, कोई दिक्कत? तो देखो आप मल्टीप्लाई कर दो तो 40 बी माइनस बी का स्क्वायर बराबर 400। माइनस बी को पहले लिख दें, वही है एक्स स्क्वायर वाला, तो यहाँ बी स्क्वायर वाला, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा प्लस 40 बी माइनस 400 बराबर जीरो। समझ में आ रहा है? ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। देखो जो एक्स स्क्वायर था वो बी स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो एक्स था वो बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे ए का जो मान है वो माइनस एक है और बी का मान जो है वो क्या है 40 है। चाहे तो माइनस कॉमन भी ले सकते थे लेकिन नहीं लिए, कोई दिक्कत नहीं। और सी का मान क्या हो गया माइनस 400। क्या निकालना है डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी बराबर बी स्क्वायर क्या हो गया 40 का स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पर माइनस 1 और सी के जगह पर माइनस 400। तो D बराबर जो हो गया 1600 माइनस प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो माइनस तो रह जाएगा
चार गुना चार कितना हो गया, 1600 कट गया, तो d का मान जो हो गया वो 0, इसलिए मूल अस्तित्व में है कि नहीं है, लिख पाएंगे कि नहीं आप लोग। अब x का मान क्या आता, माइनस b प्लस माइनस रूट डी बटे 2a, तो x बराबर b, देख के कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि यहाँ भी ba चल रहा है और वहाँ भी b, हमको ये देखना b का मान क्या है 40, तो माइनस में प्लस माइनस रूट डी के जगह पर 0, 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है माइनस वन, यानी x का जो मान हो गया माइनस 40 बटे माइनस 2, माइनस माइनस कट गया, समझ में आ रहा हो आप लोग, तो x का जो मान हो गया वो कितना बार गया 20 बार, ठीक है, तो जो लंबाई है वो कितना हो गया आपका 20, अब लास्ट में लिखिएगा लंबाई कितना हो गया 20 मीटर, और जो चौड़ाई है, चौड़ाई कहाँ निकला था हमने, सॉरी लंबाई नहीं, ये x का जो मान है वो b का वैल्यू हो गया ना, यानी x लिख रहे हैं, हमको यहाँ क्या लिखना चाहिए था b, कोई बात नहीं, फॉर्मूला पर अपन लोग चलते हैं, पहले ये जो है फॉर्मूला है x का, अब x के जगह पर हम लोग क्या देख रहे हैं b ना देख रहे थे, x के जगह पर क्या देख रहे थे b को, तो ये आपका b का वैल्यू हो गया, यानी बेस का वैल्यू कितना हो गया, बेस बोलते हैं सॉरी ब्रेथ 20 मीटर, ठीक है, अब लेंथ का जो मान है यहाँ पर आप निकाले हैं समीकरण एक में, तो यहाँ क्या आ जाएगा 40 माइनस बी, यानी 40 माइनस 20 तो वो भी कितना हो गया 20 हो जाएगा, आंसर है चेक कर लीजिए, चलो इसीलिए चौड़ाई जो हो गया वो हो गया 20 और लंबाई जो हो गया वो आपका कितना था 40 माइनस 20 मतलब क्या हो गया 20 मीटर, यहाँ पर कह सकते हैं कि जो इसका जो है पार्क बनना संभव है, अतः यहाँ पार्क बनना संभव है, कोई दिक्कत, तो चलो बच्चों आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं, उम्मीद है आप सबों को ये सारा लेक्चर समझ में आ गया होगा, सारा क्वेश्चंस भी आप बहुत अच्छे से समझे होंगे, अगर आप हमारे इस चैनल में नए आए हैं तो कृपया करके हमारे इस चैनल को नीचे वाला रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ आपके जितने भी मित्र हैं दोस्त हैं वो सबों को शेयर करें ताकि वो सब भी अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकें, चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में इसी जोश के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।